इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, एस फॉर स्पिन, आर फॉर रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है कि एटम और मॉलिक्यूल विच हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और दे हैव अ पैरामैग्नेटिक नेचर, गिव द ESR स्पेक्ट्रा, ESR स्पेक्ट्रा। ठीक है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, एटम मॉलिक्यूल और सब्सटेंस विच हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट हैव पैरामैग्नेटिक कंडीशन इन, दे गिव द ESR स्पेक्ट्रा इन मैग्नेटिक फील्ड। दिस रेजोनेंस स्पेक्ट्रा गिवन बाय माइक्रोवेव रीजन। ठीक है, ये माइक्रोवेव रीजन में स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है, माइक्रोवेव रीजन में, ये ध्यान रखना पड़ेगा, माइक्रोवेव रीजन में ये स्पेक्ट्रा मिलता है। जैसे आपको समझ में कैसे आएगा, जैसे Mn2+ फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स क्या है, Mn2+ ये ऑड नंबर ऑफ स्पीसीज है, Cobalt+, ऑक्सीजन है ना, O2 मॉलिक्यूल होगा, NO2 मॉलिक्यूल होगा, NO मॉलिक्यूल होगा, ये सब ESR के एग्जाम्पल्स हैं। ये मोस्टली टेक पार्ट करते हैं जब इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होती है। ठीक है, इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, मोस्टली माइक्रोवेव रीजन में एक स्पेक्ट्रा मिलता है, और इनकी जो न्यूक्लियाई का इंटरेक्शन है वो हाई फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, हाई फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट होगा। और सामान्यतः ये क्या होंगे, NMR से इनमें डिफरेंस है, ठीक है, NMR से मैच नहीं करेगा। NMR पे क्या होता है, प्रोटॉन इंटरेक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन ही इसमें स्टडी होगा। ठीक है, आप मोस्टली क्या समझोगे, स्पिन जो होती है S की वैल्यू होती है ±½, 1/2, ये दो पार्ट में स्प्लिट होती है, टू पार्ट में ये स्प्लिट होती है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है ±½, 1/2, और दूसरा पार्ट है मान लीजिए −1/2, तो ये दो पार्ट में स्प्लिट हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, जब इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में गुजारते हैं तो इनका जो मैग्नेटिक फील्ड जी है वो जी वैल्यू आती है 2.0023 के नियर अबाउट। ठीक है, माइक्रोवेव रीजन में MR वैल्यू, माइक्रोवेव रीजन को हम लोग MR रीजन बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे दोनों के बीच का एनर्जी गैप को डिफ्रेंशिएट करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, कॉन्स्टेंट एनर्जी चेंज होगा यहाँ पे, जो डेल्टा ई यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंस मेजर होगा, वो डेल्टा ई इज इक्वल टू होगा HC/λ। ठीक है, डेल्टा ई इज इक्वल टू, यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन आएगी वो डेल्टा ई इज इक्वल टू HC/λ के इक्वल होगी। ठीक है, एच न्यू के बराबर, जिसको हम बोल सकते हैं, ये हमेशा बराबर होगा, इसको ध्यान रखना है, जी गैरोमैग्नेटिक रेशियो जो है G β H 0 के ये इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे जो कांस्टेंट चेंज है वो NMR स्पेक्ट्रा के वैल्यू के रूप में देखेंगे। ठीक है, बी जो बीटा की वैल्यू होगी वो 9.27 × 10^24 जूल टेस्ला हो जाएगी। ठीक है, उसी को पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी MS। ठीक है, तो ये स्पिन वैल्यूज क्या होती है, ±½ दो पार्ट में स्प्लिट हो सकती है। ठीक है, हाइपरफाइन जो स्प्लिटिंग है, स्पिन कपलिंग है या स्प्लिटिंग है, यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, यहाँ पे स्प्लिटिंग यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगी, वो किस गैरोमैग्नेटिक रेशियो के रूप में रिप्रेजेंट होगी। आप सीधे लिख सकते हो डेल्टा ई इज इक्वल टू G β H 0 के इक्वल यहाँ पे रिप्रेजेंट हो सकती है। इसको माइक्रोवेव रीजन एनर्जी स्टेट में हम यहाँ पे टोटल ESR को शो कर सकते हैं।